इस बैठक में NHAI के साथ जो हमारे पिछली बैठकों के मुद्दे थे और कुछ नए मुद्दे थे उनके बारे में चर्चा हुई थी, खासकर जो लोगों के घरों को या प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ है उसके बारे में क्या इन्होंने कार्रवाई की उसके बारे में चर्चा की गई। साथ ही में जो नई कोई लोगों की शिकायतें आई थी उसको भी इनको अवगत कराया है और इनसे निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी इनके बारे में भी वो अपना जो भी कार्य है जो भी काम रेस्टोरेशन का करना है उसको जल्दी करें। इसके साथ साथ क्योंकि पिछली बरसात में जो नुकसान हुआ था और जो अभी भी कई जगह पर पूरी तरह से NH रिस्टोर नहीं हुआ है उसके बारे में चर्चा की गई और इन्होंने आश्वासन दिया है कि 30 अप्रैल तक ये पूरा रिस्टोर कर देंगे। जहाँ जहाँ इनके कलवर्ट बंद है उसको खोलेंगे, जहाँ जहाँ इनके जो ड्रेन्स है उसको कम्प्लीटली क्लीन कर देंगे और साथ साथ में जो क्रिटिकल पॉइंट्स है जहाँ ट्रैफिक की समस्या आ सकती है, जहाँ कोई लैंडस्लाइड आ सकता है उसके बारे में चर्चा की गई और ख़ासकर जो चक्की मोड़ पे जो पिछले साल लैंडस्लाइड आया था उसके बारे में भी हमने इनसे जानना चाहा था कि ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने अवगत कराया कि इसके बारे में इनकी काफ़ी उच्च स्तर पर इसके डिज़ाइन के बारे में काम हो रहा है और कुछ ना कुछ समाधान उसका ये निकाले। वहाँ पर नया पुल बनेगा चक्की मोड़ पर, अभी वो सतलुज जल विद्युत निगम से ये कंसल्टेंसी ले रहे हैं और कुछ सॉइल टेस्टिंग का काम चला हुआ है, उसके बाद ही कोई निर्णय।